तो कल सर्व से विभागीय संवर्ण कर्मचारी महासंघ की हड़ताल नियमित करने की अन्य मांगों के साथ ये हड़ताल एक दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रह सकता है। साथ ही साथ 4 साल में सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। कर्मचारी संघ का ऐसा कहना है, समितियां गठित कर संविदा कर्मियों को ठगने का काम किया गया है सरकार द्वारा। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर एक दिन की हड़ताल पर ये कर्मचारी संविदा कर्मचारी आज महासंघ की हड़ताल पे जाने वाले हैं। नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पे जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में भी इसके चलते काम ठप रह सकता है। 4 साल में सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, कर्मचारी संघ का ऐसा आरोप है। मुख्य मांगों में से एक मांग नियमित करने की भी इनकी है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द तालमेल कर नियुक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करवाने के लिए हम सभी 54 लाख के संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 तारीख को एक दिन की सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एक दिन की हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है, यहाँ पर कामकाज भी सरकारी ठप रह सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कई सारे जो अलग अलग संगठन है, जो अलग अलग संघ है, उनको मिलकर एक महासंघ बनाया है और उस महासंघ के बैनर तले कल पूरे राज्य स्तरीय हड़ताल इन्होंने रखा है, उससे बड़े पैमाने पे कामकाज प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि सरकारी अमले में तैनात है, संविदा बेसिस पे तैनात है ये लोग, तो ऐसे में कामकाज का एक बड़ा जिम्मा ऐसे संविदा कर्मचारियों पे रहता है। और जिस वक्त में इन्होंने हड़ताल बुलाया है, ऐसे में एक तरह से ये मैसेज सरकार को देने की कोशिश है। जो प्रदेश अध्यक्ष है इस असंघ महासंघ के, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी मांगे फिर भी नहीं मानी जाएगी एक दिवसीय हड़ताल के बाद, तो फिर आगे जो है वो आंदोलन की रणनीति बनाई जा सकती है। देखिए, 50 से अधिक ऐसे अलग अलग संगठन और संघ हैं जो एक साथ मिलके अब एक बैनर तले इस तरह से हड़ताल पे रहेंगे और ऐसे में बड़े स्तर पे सरकारी कामकाज प्रभावित होने की संभावना जो है वो दिख रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बड़े स्तर पर हो भी सकती है संभावित रूप से ये सरकारी कामकाज प्रभावित, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लगातार प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में किए जा रहे थे और उसके बाद अगर एक साथ होकर महासंघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाता है तो बेहद ही सरकार की तरफ से सरकारी कामकाज में यहाँ पर रुकावट देखने को मिल सकती है। धन्यवाद सत्य प्रकाश तमाम जानकारी।